नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत ये सुंदर से रेड रोज़ के साथ। तो मेरे गार्डन में ये रेड कलर का हाइब्रिड वाला रोज़ बहुत अच्छा खिला है। और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। और होली पे थोड़े बहुत मेरे गार्डन के रोज़ जो आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, और थोड़े से मेरे फ्लावर हैं जो विंटर के चल रहे हैं। और प्रूनिंग के बाद देखिए मेरे रोज़ में बहुत अच्छी बडिंग भी आ रही है और फूल भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ढेरों कलियाँ आ रही हैं और खिलने वाली हैं कुछ। और ये मेरे गार्डन का हाई एंड मैजिक रोज़ है, और ये विंटर में नहीं खिल पाया था, मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। किसी तरह से मेरा प्लांट बच गया, और इस बार देखिए बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं। तो जो इस तरह के थोड़े कम हाइट वाले प्लांट होते हैं उनमें कभी हार्ड प्रूनिंग मत कीजिएगा, और मैंने यही गलती कर दी तो इसकी वजह से विंटर में फ्लावर नहीं आए हैं इसमें, और अब बहुत अच्छे फूल आए हैं। और ये मेरे गार्डन का रोज़ है, ये देखिए बहुत सारी कली आ रही है और कुछ खिलने वाली हैं और कुछ खिल गई हैं फ्रेंड। और इसमें बड़े साइज़ का फूल आता है, ये फूल गिर रहा है, देखिए इसकी पंखड़ियाँ भी नीचे गिर रही हैं। और ये मेरा देसी है पिंक रोज, ढेरों कलियाँ आ रही हैं फ्रेंड्स। और ये वाइट वाला है मेरा समर स्नो, और इसमें भी बडिंग देखिए बहुत अच्छी आ रही है, देसी रोज़ है। और इसमें एक फूल देखिए देखिए उधर छुप रखा है और एक इधर। और देसी रोज़ बहुत पसंद है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। और इधर देखिए मेरे देसी रोज़ में कितने सारे कलियाँ खिली हैं और सब फूल खिलने वाले हैं, बहुत भर के कलियाँ आ रही हैं इसमें। तो ये मेरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल है। और ये मेरा जुमेलिया प्लांट है, देखिए यहाँ ओपनिंग होने वाली है। और इधर मेरा ये नारंगा है, बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं इसमें भी। और ये जुमेलिया तो पूरा फूलों से कलियों से भर गया है, जब फ्लावरिंग होगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरा देखिए पिटूनिया जो मैं DIY में लगाई हूँ। इधर मेरे बोगनविलिया में बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं फ्रेंड। और इधर मेरी ये सनफ्लावर और अफ्रीकन डेजी हैं। होली पे बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। जैसा कि होली रंग बिरंगे रंगों का त्यौहार है, तो हमारे गार्डन में भी फूलों ने अपनी खूबसूरती और रंग बिरंगे रंगों से रंग भर दिए हैं हमारे गार्डन में, और बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं फ्रेंड। इधर वर्बीना में मुझे जो स्पेंट फ्लावर हैं वो हटाने हैं, और डेंजस में भी अच्छे फूल खिल रहे हैं। और देखिए इम्प्रेशन में, तो होली के साथ साथ गार्डन भी फूलों के रंग में रंग रखा है और रंग बिरंगा हो रखा है, बहुत ही खूबसूरत चल रहा है फ्रेंड। और इधर अब मेरा ये कैलेंडुला जाने वाला है, और इसमें बहुत अच्छे सीड्स तैयार हो रहे हैं। और देखिए मेरे इसमें अजालिया में भी बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं, और फूल पाने हैं तो इसके लिए इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए, बस गोबर खाद को अवॉइड करें। और इधर देखिए अफ्रीकन डेजी तो पूरा फुल ब्लूमिंग पे चल रहा है मेरा, और पेंजी में भी फूलों की बहार आ रखी है। और इधर जो मेरा कटिंग सही है रेडी हुआ है पेंटास, बहुत अच्छा चल रहा है। और इधर देखिए ये मेरे सभी प्लांट हैं। तो होली पे बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं फ्रेंड। और ये एक दो नए प्लांट हैं जो मैं कटिंग से लगाई हूँ, डेंटस का भी ये नया कलर है, और ये नया कलर है, अंकल जी मुझे कटिंग से ला कर दिए हैं। और इधर मेरे देखिए ये देसी बर्बीना में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और ये मेरा डहेलिया, इस बार मेरे गार्डन में डहेलिया चला नहीं, ये फर्स्ट फ्लावर खिल रहा है और ढेरों कलियाँ आ रही हैं इसमें देखिए फ्रेंड। और इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये प्लांट। और मेरे हिबिस्कस पे बहुत फ्लावरिंग हुई थी जो मैं स्पेंट फ्लावर हटा दी, और ढेरों कलियां देखिए एक साथ आ रही है। तो इतनी कलियां कैसे आएंगी, मैं कुछ टाइम पे इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और इसमें भी देखिए ढेरों कलियां आ रही हैं। और ये मेरा कटिंग से रेडी है पंचमुखी येल्लो कलर का, तो इसमें भी ढेरों कलियाँ आ रही हैं फ्रेंड। तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर थोड़ी देर से होता है, लेकिन ज़बरदस्त होता है। और जब फूल आते हैं तो बहुत ही शानदार फूल आते हैं फ्रेंड। तो होली पे देखिए बहुत बढ़िया मेरे गार्डन में फूल खिले हैं फ्रेंड। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक होली, और सभी अच्छे से होली मनाइए। और देखिए मेरे अम्ब्रेला लिली में भी बर्ड्स आ गई हैं, और मैं अभी जब
इसमें फर्टिलाइज़र डाली तो आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी। और मेरे इस पे तो बहुत ज़्यादा फूल आ रहा है जेरेनियम पे, और ये एकदम गुलदस्ते की तरह लगता है इसका एक फ्लावर स्टॉक, तो इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और मैं अपने गार्डन में सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड। तो आप सभी को बहुत बहुत होली मुबारक। आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।